आज इतने बजे से खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला T20 का महामुकाबला। फिर से बदल गया भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले मुकाबले का समय। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के समय में हुआ है कितना बड़ा बदलाव, साथ ही कितने बजे से खेला जाएगा ये मुकाबला, जानेंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हो टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही आपके मुताबिक क्या टीम इंडिया जिम्बाब्वे को इस मुकाबले में हरा कर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 अब अपने एक रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 37 मुकाबले होने के बावजूद अभी तक सेमीफाइनल की 4 टीमें तय नहीं हुई हैं। दोनों ही ग्रुपों से 2 टीमों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 8 टीमों के बीच अभी भी सेमीफाइनल की रेस बनी हुई है। बात करें भारतीय टीम के ग्रुप के बारे में, यानी कि ग्रुप 2 के बारे में, तो आपको बता दें कि गुरुवार 3 नवंबर को पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल के लिए इस ग्रुप में बड़ा उलटफेर कर दिया है। अब भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए अपने अगलों मुकाबलों में जीत करना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा अगले मुकाबले में, यानी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मुकाबले में, किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में जरूरत पड़ने पर कुछ बदलाव भी करते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें अगर भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस मुकाबले के बारे में, तो आपको बता दें कि यह मुकाबला हमें रविवार 6 नवंबर को होता हुआ नजर आने वाला है। मुकाबला MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। बात करें इस मुकाबले के समय के बारे में, तो आपको बता दें कि इस मुकाबले का टॉस दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगा, जबकि मुकाबले की पहली गेंद दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी। यानी कि मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होने वाला है। दोस्तों आपके मुताबिक क्या टीम इंडिया जिम्बाब्वे को पटकनी देकर सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।